बेहतरीन कंटेंट और परफेक्ट फिल्म व्यूइंग एक्सपीरियंस का खास ख्याल इस बजट में रखा गया है, क्योंकि फिल्म शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस का ऐलान कर दिया गया है। अब इसका सीधा मतलब यह है कि देश भर में इंडियन फिल्म मेकर्स किसी भी लोकेशन पर जाकर अब फिल्म शूटिंग कर सकेंगे। आपको बता दें कि ये सुविधा पहले सिर्फ फॉरेन फिल्म मेकर्स के लिए ही थी, और इस बजट में इंडियन फिल्म मेकर्स को भी अब ये सुविधा मिल गई है। इससे एक तो एंटरटेनमेंट सेक्टर के तमाम जो शेयर्स हैं उनको तो फायदा होगा ही, लेकिन साथ ही जो कनेक्टिंग सेक्टर्स है जैसे कि टूरिज्म सेक्टर, इसको भी काफी हद तक फायदा होता हुआ दिखेगा। सिनेमा जगत में नए और बेहतर कंटेंट को इससे काफी लाभ मिलेगा और बढ़ावा भी मिलता हुआ दिखेगा। और खास तौर से पायरेसी को लेकर यहां पर एक अलग ही प्रावधान बनाया गया और कहा गया है कि पायरेसी को लेकर कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि आने वाले दिनों में पायरेसी जैसी चीज को रोका जा सके। तो आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो सुना ही होगा, लेकिन सरकार ने इस बार ईज ऑफ शूटिंग का ऐलान कर दिया है, जो कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। अगर राकेश जी आपको ऑफर मिले फिल्म का हीरो बनने का, ठीक है, मिल सकता है, मतलब बड़ी बात नहीं है कोई ऐसा, है ना? तो और वैसे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं आप वो संदीप ग्रोवर, सुनील ग्रोवर जो हैं गुत्थी, उससे आपकी शक्ल बहुत मिलती है ना, सही है ना? अंदाज गलत तो नहीं? फिल्में भी तो हर तरह की बनी रही हैं और आप फिल्में हर तरह की बनी रही है। तो आप कौन सी लोकेशन पे अपनी हीरोइन के साथ शूट करना चाहिए? कोई हिंदुस्तान में ऐसा कोई राकेश जी नाम लेने के पहले याद रखिएगा कल आपको वापस दिल्ली जाना है। नहीं, मैंने हीरोइन नहीं पूछा, लोकेशन पूछा है। जो भी घर पे देख रहा है खुशी हो, मैंने लोकेशन पूछा, कौन सी लोकेशन पे आप हिंदुस्तान में कौन सी लोकेशन है जो आप? एक तो मैं बताऊं, मेरा आपने काफी बड़ा एक बिल फड़वा दिया है। हाँ। आपने गोल्ड के बारे में इतना जोर जोर से बोला, मेरी वाइफ ने पूरा हिसाब मांग लिया और वो अब हॉलीडे डिमांड कर रही है। बिल्कुल होना ही चाहिए। अनिल जी ये आपना बड़ा मतलब नहीं बताने वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छा चलिए, स्टॉक पीवीआर आपका ऑल टाइम फेवरेट? पीवीआर मेरा ऑल टाइम फेवरेट, जो 1100 रुपए के लेवल से मैं रिकमेंड कर रहा हूं, और मुझे लगता है ये जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसका पीवीआर को फायदा होगा। और दूसरा भी, कल आशु जी के बगल में बैठा था तो ये तो मुझे डिस्करेज कर रहे थे कि पीवीआर की तो बैंड बजने वाली है, तो मैंने क्या है ऑफ कैमरा, मैंने ऑफ कैमरा इनको रिप्लाई नहीं दिया। बट मेरा ये मानना है कि कितने ही ये अमेजोन और ये Zee5 और ये सब आ जाए, बट मुझे लगता है जो एक कल्चर है भारत में एक फैमिली के साथ एक मूवी जाने का, थिएटर में जाने का, वो बिल्कुल बरकरार रहने वाला है। और जिस तरह की मूवीज आ रही है, जैसे हमने हाल ही में देखा उरी को जो सक्सेस मिला है, इवन मणिकर्णिका इज सपोज टू बी गुड, तो इन सबको देखते हैं मुझे लगता है पीवीआर वुड कंटिन्यू टू डू वेल।